दुखद तस्वीरें सामने आई हैं और मैं अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि न्यायप्रिय लोग, सभ्य समाज के लोग ऐसे वक्त पे प्रतिक्रिया ना दें, उत्तेजनाओं को भड़काने का काम ना करें, चीजों को संयम से, धैर्य से काम लें। सरकार से भी पूरी उम्मीद है कि बहुत सख्ती से पेश आए। कोई औचित्य नहीं है कि अब कोई शोभा यात्रा निकलेगी और पंचायतें होंगी, इससे और जो माहौल है और बिगड़ेगा और चीजें जो है आज काबू में नहीं आ पा रही, आगे और बिगड़ जाएंगे। आरोप लग रहा है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार स्टेट और सब जगह इस तरह की स्थिति तनावपूर्ण पैदा हो रही है। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें चिन्हित सरकार पहले ही कर चुकी है और सरकार को अच्छी तरह मालूम है और सरकार के इनके परिवार के लोग ही हैं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इसलिए ये आरोप लग रहा है अगर कहीं लग रहा है तो। मैं भी सहमत हूं उस बात से जो लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी माहौल होगा, जो लोग राजनीतिक फायदा लेते हैं ऐसे माहौल बनाकर, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि देश को आग में डाल दिया जाए और धकेलने की पूरी कोशिश आज भी हो रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे जो न्यायप्रिय लोग हैं और जो मूल विचार देश का उदारवादी है, वे सबको साथ लेके चलने का है और इस तरह की हिंसा आगे नहीं हो पाएगी।